राधिका जी, अभी राहुल जी ने गुजरात में रैली की, वहां बयान दिया कि भाजपा ने दो दो हिंदुस्तान बना दिए, तो मैंने पूछा इसमें आपको क्या दिक्कत है, बोले मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सा वाला भारत जोड़ू। गजब। अच्छा, और रैली में क्या हुआ प्रताप भाई, उन्होंने एक अनुवादक खड़ा कर रखा था अपने साथ में, राहुल जी एक लाइन बोलते थे फिर अनुवादक उसका अनुवाद करता था गुजराती में, 5-7 मिनट में अनुवादक हाफ लिया। जिन राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा को अचानक चुनाव से जोड़ दिया, जिन राहुल गांधी जी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा को अचानक चुनाव से जोड़ दिया, उनकी पहली ही रैली में उनके अपने अनुवादक ने अनुवाद का कार्य बीच में ही छोड़ दिया। उनकी पहली ही रैली में उनके अपने अनुवादक ने अनुवाद का कार्य बीच में ही छोड़ दिया। मैंने उस अनुवादक से पूछा, क्या राहुल जी की हिंदी इतनी कठिन थी कि आप उसका अनुवाद नहीं कर पाए? अनुवादक बोला, कांग्रेस तो मिनिमम लॉस पर खेलने वाली टीम है। क्या बात कही। वैसे भी कांग्रेस तो मिनिमम लॉस पर खेलने वाली टीम है, अपनी तो नो प्रॉफिट स्कीम है। नो प्रॉफिट स्कीम। अपनी तो नो प्रॉफिट स्कीम है, आपके पास दिल्ली है, भाजपा के पास गुजरात है, हमारे पास तो दोनों ही जगह खाली हाथ है। आपके पास दिल्ली है, भाजपा के पास गुजरात है, हमारे पास तो दोनों ही जगह खाली हाथ है, इसी हाथ को कभी हथेली बना लेंगे कभी मुक्का, इसी हाथ को कभी हथेली बना लेंगे कभी मुक्का, चल गया तो तीर नहीं तो तुक्का, नहीं तो तुक्का। क्या बात है, वाह 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 वाह, चल गया तो तीर नहीं तो तुक्का। अब अंत में मजा लेना, अगर कोई पार्टी इस स्थिति में चुनाव लड़ रही है तो उससे ज्यादा मजेदार सीन कोई नहीं है। चल गया तो तीर नहीं तो तुक्का। हमें कौन सा वरवधु का गोत्र बांचना है, हमें कौन सा वरवधु का गोत्र बांचना है, बारातियों के साथ शादी में एंट्री मिल सके, इस उद्देश्य से हर चुनाव में 2-4 मिनट नाचना है। बारातियों के साथ शादी में एंट्री मिल सके, इस उद्देश्य से हर चुनाव में 2-4 मिनट नाचना है। इसीलिए हम ना हारते हैं ना जीतते हैं, लेकिन नाचते हुए हर बारात में दिखते हैं।